चार्ट एनालिसिस करते हैं। दोस्तों कल के वीडियो में हमने बताया था कि किस हिसाब से बैंक निफ्टी फिलहाल एक राइजिंग एज फॉर्मेशन में ट्रेड कर रही है एंड उस लेवल पे हमने बोला था कि 20,900 का काफी अच्छा सपोर्ट बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है एंड आज के दिन में जो लो बनाया वो महज 20,900 के नीचे यानी कि 20 पॉइंट का था एंड वहां से एक अच्छी खासी बाउंस बैक हमें ड्यूरिंग द इंट्राडे ट्रेडिंग सेशन देखने को मिली। यानी आप देख सकते हो कि कितना अच्छा सपोर्ट हमने बताया था। फिलहाल 20,900 का सपोर्ट इंटैक्ट है। अगर 20,900 के नीचे बैंक निफ्टी अपना क्लोजिंग देती है तो फॉर द टाइम बीइंग जो ट्रेंड है वो रिवर्स हो सकता है एंड उसके बेस पे डाउनसाइड की मूवमेंट भी हमें देखने को मिल सकती है। तो 20,900 का सपोर्ट जो है प्लीज आप ध्यान में रखिए एंड जिस हिसाब से 50 डीएमए के ऊपर बैंक निफ्टी लगातार ट्रेड कर रही है फॉर द टाइमिंग जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव ही है। बस माइंड में 20,900 का सपोर्ट एक बार फिट कर लीजिए। दोस्तों ये था डेली चार्ट, आइए इंट्राडे चार्ट के बारे में भी बात कर लेते हैं। दोस्तों मैंने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है एंड इससे आपको कहीं ना कहीं आइडिया आ जाएगा कि डबल बॉटम फॉर्मेशन में यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। कैसे एक नेगेटिव ओपनिंग देने के बाद बैंक निफ्टी ने हमें लोअर लेवल दिखाए एंड उसके बाद एक टॉप बनाया एंड टॉप बनाने के बाद वापस उसका जो प्रीवियस बॉटम था वहां तक बैंक निफ्टी ने अपने लो दिखाए एंड जिस हिसाब से ये डबल बॉटम फॉर्मेशन इंट्राडे चार्ट पे बैंक निफ्टी ने क्रिएट किया था उसके बेस पे काफी अच्छी मोमेंटम हमें इंट्राडे में देखने को मिली एंड दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि डाइंग आवर्स में एक अच्छा खासा स्पर्ट। अगर मैं लेवल वाइज बात करूं तो 21,000 से 21,300 के ऊपर का लेवल हमें बैंक निफ्टी में आते हुए दिखा। यानी आप देख सकते हो कि डबल बॉटम फॉर्मेशन बनाने के बाद कितनी खूबसूरती से बैंक निफ्टी ने एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें डाइंग आवर्स में दिखाया। तो दोस्तों ये जो छोटे छोटे पैटर्न है प्लीज इसको ऑब्जर्व कीजिए। ये ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव काफी काम आते हैं। अगर अच्छा खासा पैटर्न ऑब्जर्व करते हो इंट्राडे चार्ट पे तो उसके बेस पे आपको काफी अच्छी ट्रेडिंग मिल सकती है। तो आइए दोस्तों हमारे अपडेट के बारे में बात करते हैं। दोस्तों हमने कल के वीडियो में बोला था कि बैंक निफ्टी अगर 10,268 के लेवल के नीचे अगर जाती है तो एक डाउनसाइड की मूवमेंट हमें निफ्टी में देखने को मिल सकती है। दोस्तों अगर आज के हाई की बात करूं निफ्टी के फ्यूचर के ओपनिंग के हाई की बात करूं तो दोस्तों जो हाई था वो था 10,265.30। यस हमारा जो सेल लेवल था वो था 10,268 एंड वो हाई बनाने के बाद दोस्तों निफ्टी में एक लगातार गिरावट हमें देखने को मिली। यानी आप देख सकते हो कि हमारा जो सेल लेवल था वो कितना एक्यूरेट था कि उसके बाद हमें निफ्टी में काफी अच्छी सेलिंग देखने को मिली। दोस्तों मैंने यहाँ पे सीएमपी भी लगाई है, उस टाइम पे जो सीएमपी चल रही थी वो था 10,207 का एंड हमारा जो सेकंड लेवल था वो था 10,215 का। यानी कि सेकंड लेवल अचीव करने के बाद हमें और भी गिरावट निफ्टी में आती हुई देखी। यानी हमारा जो सेल लेवल था कितना एक्यूरेट था मैंने यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ एंड ड्यूरिंग द ट्रेडिंग सेशन दोस्तों तकरीबन 1:15 मैंने बोला था कि बैंक निफ्टी फ्यूचर इफ सस्टेन अबव 21,140 लेवल देन वी मे सी अ गुड स्पॉट इन द इंडेक्स अप टू द लेवल ऑफ 21,252 to 21,301 to 21,530 while downside support comes at 20,880 and दोस्तों आप देख सकते हो कि कितनी अच्छी मूवमेंट हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिली एंड उसके बेस पे हमारा जो सेकेंड लेवल था 21,301 वो भी अचीव होते हुए हमें दिखा। यानी कि दोस्तों मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे विद चार्ट आपको एक फ्रेश रिकमेंडेशन देता हूँ जिसके बेस पे आप भी सीख सकते हो कि किस हिसाब से बैंक निफ्टी निफ्टी में कॉल जनरेट होते हैं। तो आइए दोस्तों ये था टेक्निकल पार्ट, आज हम अभी ट्रेडिंग पार्ट के बारे में बात कर लेते हैं। जो ट्रेडिंग लेवल्स है बैंक निफ्टी निफ्टी के उसके बारे में बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी इंट्राडे लेवल्स फॉर 30 जून। दोस्तों अगर बैंक निफ्टी ऊपर में 21,495 के लेवल के ऊपर सस्टेन होती है तो पहला लेवल जो हमें देखने को मिलेगा वो है 21,595 एंड दूसरा लेवल जो हमें देखने को मिलेगा वो है 21,700 का। जबकि उस लेवल पे उस टाइम पे जो सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा वो है 21,370 का। अगर दोस्तों बैंक निफ्टी लोअर लेवल पे 21,005, यस आई एम अगेन रिपीटिंग 21,005 का अगर सपोर्ट ब्रेक करती है, अगर ये लेवल ब्रेक करती है तो नीचे में 20,905 से लेकर 20,800 तक के डाउनसाइड के मूवमेंट हमें बैंक निफ्टी दिखा सकती है एंड उस लेवल पे जो रेजिस्टेंस हमें दिखेगा वो है 21,130। तो दोस्तों प्लीज ये लेवल नोट डाउन करके रख लीजिए, काफी अच्छे लेवल है, हैशटैग एक्यूरेट लेवल है। मैंने इसकी एक्यूरेसी आपको पहले भी दिखाई है। अगर आपको एक परफेक्ट ट्रेडिंग सेटअप चाहिए तो प्लीज ये लेवल जरूर जरूर फॉलो कीजिए, आपको एक अच्छी खासी ट्रेडिंग इसके लेवल के बेस पे मिल सकती है।
तो दोस्तों ये है बैंक निफ्टी इंट्राडे लेवल्स। आइए निफ्टी इंट्राडे लेवल्स के बारे में बात करते हैं। दोस्तों अपर ब्रेकआउट लेवल है 10,335 के। अगर 10,335 के ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन होती है तो 10,365 का पहला लेवल है एंड वो ब्रेक करने के बाद 10,390 का दूसरा लेवल हमें अचीव होते हुए दिख सकता है। जबकि उस लेवल पे उस टाइम पे जो सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा वो है 10,295 का। एंड लोअर लेवल पे अगर 10,190 का अगर लेवल ब्रेक करती है निफ्टी तो नीचे में 10,160 से लेके 10,130 तक के डाउनसाइड के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। एंड उस लेवल पे जो रेजिस्टेंस हमें दिखेगा वो है 10,230 के। तो लेवल प्लीज दोस्तों प्लीज ये लेवल जो है वो नोट डाउन करके रख लीजिए। ट्रेडिंग ड्यूरिंग द ट्रेडिंग सेशन ये लेवल आपको काफी काम आ सकते हैं। एंड मैंने पहले भी बोला है अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो प्लीज प्रॉपर लेवल के साथ ही कीजिए। अगर आप प्रॉपर लेवल के साथ करोगे तो अच्छा खासा मुनाफा आप इंट्राडे में कमा के निकल सकते हो।